नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। ये बड़ी और अहम जानकारी, 12 बीएसपी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए। कमलनाथ ने सभी को ज्वाइन कराई कांग्रेस, ये बड़ी जानकारी। पूर्व महापौर प्रत्याशी भी कांग्रेस में शामिल हुए। तो बीते दिनों भी बीएसपी नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे, एक बार फिर कांग्रेस के बेड़े में बीएसपी के नेताओं ने दस्तक दी है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। 12 बीएसपी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए। कमलनाथ ने सभी को कांग्रेस ज्वाइन करवाई, ये बड़ी जानकारी। पूर्व महापौर प्रत्याशी भी कांग्रेस में शामिल हुए। तो आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। लगातार ताबड़तोड़ बैठकें कर रही है कांग्रेस और एक बार फिर कांग्रेस को ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। तो वहीं बीजेपी के लिए ये बड़ा झटका है। 12 बीएसपी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। जी हां, कमलनाथ ने सभी को कांग्रेस ज्वाइन करवाई और पूर्व महापौर प्रत्याशी भी कांग्रेस में शामिल हुए। तो कमलनाथ लगातार कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बैठकें कर रहे हैं, साथ ही कार्यकर्ताओं में भी जोश भरने का कार्य जारी है। तो 12 बीएसपी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए, ये बड़ी और अहम जानकारी। मध्य प्रदेश को झटका लगा है। कमलनाथ ने सभी को कांग्रेस ज्वाइन करवाई, पूर्व महापौर प्रत्याशी भी कांग्रेस में शामिल हुए। तो बीते दिनों ही बीएसपी के नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे और एक बार फिर से कांग्रेस के बेड़े में बीएसपी के बारह पदाधिकारी शामिल हुए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, एक तरफ तो मध्य प्रदेश में बड़ा झटका, तो वहीं कांग्रेस के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। ब्रजेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? सर आवाज नहीं आ रही अंदर की। ब्रजेश, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? तो चलिए, ब्रजेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लगातार संपर्क करने की कोशिश करते रहेंगे। आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम जानकारी, मध्य प्रदेश में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें 12 बीएसपी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही कमलनाथ ने सभी को ज्वाइन करवाए कांग्रेस, ये बड़ी जानकारी। पूर्व महापौर प्रत्याशी भी कांग्रेस में शामिल हुए। तो बीएसपी के 12 पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए, ये बड़ी और अहम जानकारी। मध्य प्रदेश में बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 12 बीएसपी के पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हुए, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो 12 बीएसपी के पदाधिकारी आज कांग्रेस में शामिल हुए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सभी को कांग्रेस ज्वाइन करवाई। तो बीएसपी को मध्य प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। पूर्व महापौर प्रत्याशी भी कांग्रेस में शामिल हुए। आपको बता दें, इससे पहले भी बीएसपी के कई नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और एक बार फिर बीएसपी को झटका लगा है। ब्रजेश जैन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश, तो बीएसपी को एक बार फिर से झटका लगा है, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये जीत से कम नहीं, क्योंकि 12 पदाधिकारियों का एक साथ शामिल होना एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, देखिए 12 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उसमें शामिल हुए हैं कांग्रेस में आज, और इसके पहले भी हमने देखा कि चंबल इलाके के सपा बसपा के नेता लगातार कांग्रेस में शामिल हुए थे। हालांकि ये स्थानीय नेता है, और बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की बात करें तो
बहुत ज़्यादा वर्चस्व मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन फिर भी जो वर्कर है नीचे के और जो जातिगत समीकरण है उसको देखते हुए एक सफलता मानी जाएगी चंबल इलाके में ये पदाधिकारी शामिल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब चुनाव प्रचार में आगे जो चुनाव आएंगे और जो कांग्रेस की स्कीम्स हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल का विरोध हो, महंगाई का विरोध हो या दूसरे जनहित के मुद्दे हों, उनके लिए एक टीम ज़रूर कांग्रेस को मिल जाती है। ठीक ब्रजेश, बने रहे हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और चलिए बड़ी खबर का रुख कर